हेलो गाइस, मैं हूं अमित। गाइस, आज पूरे 3 साल बाद मैं अपने घर वापस जा रहा हूं। अब आप बोलोगे गाइस कि आप तो अपने घर ही हो, अपने ऑफिस ही हो। तो गाइस, मेरा एक और भी घर है जो कि दिल के बहुत करीब है। वो जो जगह है वहां पर मैंने 4 साल बिताए अपनी ज़िंदगी के, जो कि है गाइस मेरा कॉलेज यानी कि IIT रुड़की। और IIT रुड़की में मैंने 4 साल बिताए, लेकिन जब से डिग्री कंप्लीट हुई उसके बाद में मुझे फ़िलहाल 3 साल हो चुके हैं, अभी तक रुड़की नहीं जा पाया। बहुत सारा काम किया, इन सब के चक्कर में नहीं जा पाया। लेकिन गाइस, आज डिसाइड किया कि चलो यार रुड़की चलते हैं, जा करके देख करके आते हैं। और फिर सोचा कि यार एक काम करते हैं, आपको भी दिखाते हैं कि किस तरीके का IIT के अंदर जो है माहौल होता है। वहाँ पर जिस रूम में मैं रहता था, इनफैक्ट मैं 2 अलग अलग रूम्स में रहा था, अलग अलग ईयर्स में, तो वहाँ पर भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से रूम्स थे। और साथ ही साथ में जिस रूम के अंदर इस चैनल की यानी कि क्रेजी XYZ की स्टार्टिंग हुई थी, पहली वीडियो शूट हुई थी, अपलोड हुई थी, वो रूम भी है वहाँ पे। तो देखेंगे, क्योंकि वहाँ पर गाइस मैंने एक मिनी स्टूडियो बना रखा था, उस रूम को स्टूडियो में कन्वर्ट कर रखा था अपने से, पेंट वेंट करके पूरा, सारी चीज़ों को सेटअप करके। आई डोंट नो फिलहाल अभी वो कुछ रहा होगा नहीं रहा होगा, मुझे कुछ भी नहीं पता और ना ही मैं पता कर सकता हूँ वहाँ बिना गए। तो गाइस देखते हैं कि जहाँ ये सब कुछ शुरू हुआ था, जहाँ YouTube मैंने स्टार्ट किया था, वो जगह फिलहाल कैसी है। तो मज़ा आएगा ना गाइस, वीडियो बने रहिएगा, वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा देना। फटाफट से शुरू करते हैं। तो गाइज हम लोग घर से निकल चुके हैं और जो गाड़ी है वो बार बार कह रही है कि सीट बेल्ट लगा लो, तो गाइज लगा लेते हैं। गुड मॉर्निंग गाइज, कल हम लोग घर से निकले थे IIT रुड़की के लिए। बीच में दिल्ली पड़ता है, तो दिल्ली में कुछ सामान वगैरह लेने लग गए थे और उस चक्कर में गाइस रात हो गई यहाँ तक पहुँचने में, और उसी वजह से रात को हम कॉलेज नहीं जा पाए। तो अब जो है गाइस नेक्स्ट डे है और अब चलेंगे कॉलेज के अंदर। फिलहाल यहाँ पर हमने एक होटल रूम लिया था, तो अब चलते हैं गाइस कॉलेज में और आपको दिखाते हैं और जो पुरानी यादें हैं उनको भी ताज़ा करते हैं। देखते हैं IIT का क्या माहौल है, सब चीज़ें वैसी ही हैं या चेंज हो गई है, आई डोंट नो। चलो तो गाइस होटल से निकल चुके हैं और अभी जा रहे हैं IIT रुड़की, और देखते हैं गाइस कितना मज़ा आता है। 3 साल बाद में जो है अपने कॉलेज में जा रहा हूँ गाइस, बहुत सारी यादें हैं, बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। देखते हैं कितना चेंज हुआ है या सब कुछ सेम ही है या क्या है। आप लोगों को मज़ा ज़रूर से आने वाला है गाइस। गाइस ये है IIT रुड़की का मेन गेट जिससे एंटर करते हैं, और हम लोग इसी से अंदर जाते थे। और अब जो है भाई साहब अपने कॉलेज में वापस से आ चुके हैं, कॉलेज में यार अपने घर वापस आ चुके हैं 3 साल बाद में, और बहुत अच्छा फीलिंग आ रहा है। सेम वैसा ही फीलिंग है जैसा पहले था। आराम से ही चलना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर गाइस स्टूडेंट्स रहते हैं, सब अपनी मस्ती में रहते हैं, पढ़ाई वढ़ाई करते रहते हैं, किसी के मन में पता नहीं क्या बड़ा कोई प्रोजेक्ट चल रहा हो, तो किसी को डिस्टर्ब नहीं करना, आराम से जाना है। तो गाइस हम लोग फिलहाल आ चुके हैं IIT रुड़की के अंदर, और भाई साहब यहाँ पर आकर के जो फीलिंग आ रही है, जो मतलब यार एकदम जो पुरानी वाली फील थी आज से ठीक 3 साल पहले वाली, डिट्टो सेम है, उतना ही मज़ा है, सब कुछ उसी तरीके का यहाँ पर जो है लग रहा है। और आकर के भाई मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और फिलहाल जस्ट मतलब एंटर किए हैं, थोड़ा सा अंदर आए, गाड़ी हमने खड़ी कर दी है, क्योंकि यहाँ पर भाई साहब गाड़ी लेके घूमने का मज़ा नहीं है, यहाँ तो आराम से जो है इधर उधर चलते रहो, उसी चीज़ का मज़ा है। तो आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, मैं कहाँ पढ़ता था, कहाँ हमारा डिपार्टमेंट है, कौन सा हॉस्टल है, सारी चीज़ें कवर करेंगे। चलो थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत खुशी हुई इस राह से मिली आपसे। मुझे भी भाई बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और सर क्या हाल है? सर बहुत दिन बाद मिले हैं। बिल्कुल। तो गाइस ये नवीन सर हैं हमारे, और इनके साथ में हम बहुत खेला करते थे, और ये जो है बैडमिंटन में मैंने हरा भी है इसको। PhD कर रहे हैं अभी, एकदम मस्त चिला आदमी है। चलो गाइस तो सर अभी तो आप निकल रहे हो, एग्जाम्स वगैरह चल रहे हैं एक्चुअली कॉलेज में, BTEC स्टूडेंट्स के मेरी ड्यूटीज है वहां पे डिपार्टमेंट में। अच्छा अच्छा, यहां पर जो लोग हमारे साथ में थे ना, उनमें से बस कुछ सीनियर्स ही बचे हैं, जिनमें मोस्टली PhD वाले सर ही हैं। सीनियर्स नहीं, छोटे भाई की तरह हमेशा भाई हमारा ध्यान रखते थे हर चीज के अंदर। अच्छा खेलते थे हम, बिल्कुल साथ में खेला करते थे। गाइस मेरे पीछे ये है राजीव भवन, और ये जो है हॉस्टल है,
यहाँ पर आप देखो कि इसके जो है दो तीन ब्लॉक हैं, सारे आपस में कनेक्टेड हैं और बहुत सारे, कम से कम इसमें यार 300-400 स्टूडेंट जो हैं वो रहते होंगे, तो आप लोग समझ सकते हो। राजीव भवन एक बार अंदर जा करके चल करके आते हैं बस, जस्ट मैं नहीं रहता था इसमें, मैंने सोचा आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम थोड़ा अंदर आ गए हैं, ये है कोटले भवन। भवन का मतलब एक्चुअली में हॉस्टल है, और यहाँ जितने हॉस्टल्स हैं आईआईटी रुड़की में सभी को भवन बोला जाता है, ये कोटले भवन है। आगे जो है राधा कृष्णन भवन है, जिसको आरकेबी बोलते हैं। मेरा हॉस्टल जो है वो राधा कृष्णन भवन ही था, आरकेबी में रहता था। इधर पे राजेंद्र भवन है जिसमें मैं फर्स्ट ईयर में रहता था, तो उन रूम्स को भी विजिट करेंगे। लेकिन अभी भाई बहुत भूख लगी यार, थोड़ा खाना पीना खाएंगे, पहले मैस चलते हैं। गाइज ये है राजेंद्र भवन, और इसके अंदर जो है मैं फर्स्ट ईयर में रहता था, बाद में मैं इस वाले बिल्डिंग में रहा था 3 साल। और यूट्यूब की जो क्रेजी एक्स वाई जी की जो स्टार्टिंग है ना, वो इस हॉस्टल के अंदर हुई थी, और मेरी यूट्यूब की स्टार्टिंग इस बिल्डिंग के अंदर हुई थी। तो सब कुछ गाइज यहीं से शुरू हुआ है बेसिकली। इस बिल्डिंग में पता गाइस मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी किए हैं, अभी आपको वो जगह भी दिखाऊंगा, और फिर जो एक्सपेरिमेंट है जो वीडियोस क्रेजी एक्स वाई जी पे है वो भी आपको दिखाएंगे। यार मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है भाई, आज का दिन जो है वो क्या बात है। तो गाइस मैस में आ गए हैं, और यहाँ पर इस वाले हॉस्टल के मैस में आरकेबी भवन है, इसके अंदर मैं 3 साल तक था, तो 3 साल यही इसी मैस में मैंने खाना खाया है। फिलहाल जो है खाना डाल के ला चुके हैं। खाना मिलेगा गाइस आपको एकदम सिंपल, एकदम हाइजीनिक, एकदम साफ सफाई वाला, जिसको खा करके न्यूट्रिशन भी पूरे होते हैं और साथ ही साथ में पेट वेट भी ख़राब नहीं होता है। तो गाइस अब खाना खाते हैं, और उसके बाद में आपको जो बाकी है वो दिखाते हैं। वैसे हम स्टार्ट कर चुके थे गाइस, हमने सोचा आपको दिखा देते हैं। तो गाइस फिलहाल हम भवन के अंदर आ चुके हैं, इसी हॉस्टल के अंदर मैं रहा था 3 साल के लिए, और इधर पे आकर के आप नज़ारा देखो एक बार, पूरा जो है रूम्स ही रूम्स है चारों तरफ में। और यहाँ पर कितने फ्लोर हैं भाई, 2, 2, 4, 2, 6, 7 मैं खुद भूल गया गाइस कितना बड़ा मेरे को कितने हैं। हम फिलहाल सेकेंड फ्लोर पर हैं, मेरा जो रूम था वो थर्ड फ्लोर पर है। हर फ्लोर के ऊपर लिफ्ट वगैरह लगी हुई है, तो आराम से ऊपर नीचे आना कोई दिक्कत नहीं। नीचे मेस है, ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है जहाँ पर बैडमिंटन कोर्ट वगैरह है, इसके जस्ट नीचे मेस है जहाँ पर हम लोग अभी खाना खा के आए हैं। और यहाँ पर कुछ हमारे जो भाई लोग हैं, कुछ जो सीनियर्स थे मेरे, वो भी मिले हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सर हैं, लेखराज सर हैं, इधर पे अनिरुद्ध सर हैं, अर्णव सर हैं। थैंक यू सो मच सर, आप देखो इतने दिन बाद में मिले हैं, और आप वीडियोज़ भी देखते हैं। तो गाइज अब जो है आपको कुछ और दिखाते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर गाइज हॉस्टल के अंदर ये जो कॉरिडोर्स बने हुए हैं, तो सारे रूम है वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं हर फ्लोर के। गाइज आईआईटी का एक टिपिकल रूम आपको दिखाते हैं, ये राधाकृष्ण भवन का रूम है आरकेबी का, और आप अब अंदर आ जाओ। इसी साइज के रूम से जो है शुरुआत हुई थी क्रेजी एक्स वाई जी की। एक्चुअली में ही मैंने अपने रूम को स्टूडियो बना रखा था, दीवार वीवार पेंट कर रखी थी, मुझे नहीं पता वो कितना अलाउड है नहीं है, लेकिन मैंने तो अपना सेटअप जो है उसके अंदर ही बना रखा था। बाकी जो सारी ज़िंदगी है वो अपनी इसी के अंदर रहती है, मतलब सोने वाली और रेस्ट करने वाली, बाकी ज़िंदगी आराम से बाहर रहो, घूमो फिरो। अभी गाइस जिस रूम में मैं रहता था वो भी दिखाते हैं आपको, अगर अगर उसमें कोई हुआ, और अगर वो उस पर लोको हुआ तो मुझे पता नहीं, अगर उसमें कोई हुआ तो बहुत बढ़िया बात होगी। एक दिन एक कब से रखी है साल दो साल हो गए गाइस, यही है वो प्लेट जो कई दिनों से यहाँ रखी है, और सर ने इसमें खाना खाया था, इसको वापस अपने को देके आनी होती है क्या इसको? मैंने उनको बोला नहीं कि रखी है ऊपर। अच्छा वो लेके जाना अच्छा है, चलो ठीक है ऊपर रखिए ले जाना। तो गाइस ये है एक दूसरा रूम, ये है लिखराज सर का रूम। अरे वाह, ये जो है इस रूम में पूरा वॉलपेपर वगैरह लगा के इस रूम को इतना कस्टमाइज किया हुआ है गाइस। और यहाँ पर अगर इस गेट को खोलते हैं भाई, और ये है सामने राजेंद्र भवन। राजेंद्र भवन जो है वो
उसमें फर्स्ट ईयर के बच्चे रहते हैं जो फ्रेशर्स आते हैं बेसिकली। तो यहाँ पर ये जो पूरा हॉस्टल है, ये आप इसको देख के मत समझना कि इतना सा हॉस्टल है, ये तो एक ही ब्लॉक का भी एक हिस्सा है, ये बहुत बड़ा है, पीछे तो बहुत लंबा हॉस्टल है। इस अकेले हॉस्टल में लगभग 800-900 बच्चे रहते हैं सामने। गाइज ये जो इंसान आपको अभी दिख रहे हैं, इनकी शादी हो चुकी है 1 महीने पहले और मुझे शादी पे नहीं बुलाया आपने। मुझे बहुत दुख है इस बात दुख करके क्या होगा भाई, सॉरी। तो आप कब बुलाओगे अब अगली शादी पे? मैं इतना बोल सकता हूँ जब हमें कभी सेटलमेंट कहीं होगा तो हम एक बार जरूर इनवाइट करेंगे। चलो ठीक है सर। ये वही सर हैं जिन्होंने मुझे शादी में नहीं बुलाया। गाइस नीचे नीचे कमेंट, गाइस कमेंट करके बताओ नीचे कि इनको इनको अपनी शादी में मुझे बुलाना चाहिए था कि नहीं बुलाना चाहिए था, बताओ जल्दी बताओ। गाइस सर जो हैं वो मेटलर्जी डिपार्टमेंट से ही हैं, यानी कि हम दोनों जो हैं सेम डिपार्टमेंट में ही हैं। मेटल गाइस समझते हो ना, मेटलर्जी जो होता है, मेटल्स नॉन मेटल्स मटेरियल सब चीज़ों का काम होता है। बाकी सर मेरे से बहुत ज़्यादा जानते हैं क्योंकि ये PhD कर रहे हैं और हम लोगों ने बीटेक हमने देखो इतना तो यूज़ किया है सर कि वेल्डिंग वगैरह करी है, वीडियोस में करी है, कास्टिंग वास्टिंग इतनी तो कर लेते हैं हम। तो गाइस ये देखो ऊपर, सबसे पहले यहाँ देखो ये है 330 और इसी रूम में मैं रहा था 3 साल। और यहाँ पर आपका गुड नेम क्या है भाई? उज्जवल भाई हैं जो फिलहाल रहते हैं, अभी आप 4th ईयर में शायद केमिकल। तो गाइस ये वो रूम है जिसमें क्रेजी XYZ चैनल की शुरुआत हुई थी एक्चुअली में, आपको पता है कुछ? जैसे क्रेजी XYZ आपने सुना है, नाम सुना है, आपने वीडियोस देखी हमारी? क्योंकि हम शायद पहले कभी नहीं मिले हैं अपन। पहले नहीं मिले बट मैंने नाम सुना। वो इसी रूम में शुरू हुआ था। ये जो आपको अलग सा पेंट दिखेगा ना, ये यहाँ से जो लाइनिंग बनी हुई है अब तो इसके ऊपर रीपेंट कर दिया है, ये मैंने ही करा हुआ था, ये मैंने खुद ने किया था इसमें। दोस्त पूछते हैं ये लाइनिंग क्यों है? हाँ, जब 0 सब्सक्राइबर्स थे हमारे, मतलब जब स्टार्ट किया था तो ये उसी टाइम पे ये किया था। ये आपका उल्टा लगा हुआ है सभी से, आपने देखा ये? ये सबका ऐसे ऊपर होता है, ये उल्टा, इसको मैंने खोल के उल्टा किया था इसको कि जिससे कि इसमें नीचे लाइट एक हेडलाइट लगा सके। गाइज यार इस रूम में आकर के वॉइस ऑफ जो यादें हैं वो मतलब इतना तेजी तेजी से मेरे अंदर घुसे जा रही हैं। मतलब यार भाई इस रूम से, ये छोटा सा जो रूम है 10x10 फीट का, इस रूम में क्रेजी XYZ की शुरुआत हुई थी। गाइस देखो इतना सा रूम है और ये स्टूडियो था पहले हमारा, इस रूम में क्रेजी XYZ की पहली वीडियो बनी थी। और यार आपके लिए तो ये वाली चीज़ है, और मैं इस रूम में 3 साल रहा भी था और सब कुछ इसी के अंदर हुआ था। तो गाइस यहाँ पर मुझे कुछ चीज़ें मिली हैं जो कि मतलब जो कारस्तानी हम लोगों ने करी हुई है वो चीज़ है। यहाँ पर देखो इसमें आपको चढ़ के दिखाता हूँ, ये देखो ये जो यहाँ पर ये जो हुक लगा हुआ है, ये हुक मैंने खुद ने आज से लगभग 5-6 साल पहले यहाँ लगाया हुआ था, क्योंकि यहाँ पर्दा लगता था। ये कील भी मैंने ठोकी हुई है इस साइड में, अगर आप आओगे तो यहाँ पर भी मैंने देखो ये कील है, ये है और ऊपर भी एक हुक है, ये सारे मैंने लगाए थे ताकि यहाँ पर एक पर्दा एक बैकड्रॉप लगाया जा सके। इस साइड में जो है यहाँ पर भी था लेकिन ये किसी ने हटा दिया। गाइस ये छेद भी मैंने खुद ने ड्रिल से किए थे। एक चीज़ और देखो, यहाँ पर आपको ये लाइनिंग दिखेगी, ये लाइन है वहाँ तक, इस पूरे हिस्से के ऊपर मैंने खुद ने पेंट कर रखा था, इस पर वाइट पेंट था और ये जो है ना बैकग्राउंड का यूज़ आता था। आप लोग अभी अभी इसी टाइम प्ले कर देते हैं कुछ वीडियोज़ तो आप यहाँ पर देख सकते हो। इसी रूम का ये सीन है और यहाँ पर ये जो पर्दा पीछे लगा हुआ है ये इसी जगह पर लगता था जिस पर मैं फ़िलहाल खड़ा हुआ हूँ। ये जो है ना भाई, इसमें बल्ब लगा है, ये उल्टा था, मतलब ये ऊपर की तरफ था और इसमें कितना बड़ा कांच का बाउल लगा था। मैंने इसको खोल करके उल्टा सेट करके इसमें एक लाइट लगा दी थी जो कि टॉप लाइट का काम करती थी। स्टूडियो में एक टॉप लाइट चाहिए होती है ना, तो वो ये काम करती थी। एक चीज़ और देखो, ये जो दरवाज़ा है इसके ऊपर, ये देखो गाइस, ये यहाँ पर इतने सारे जो अखबार हैं, ये जो न्यूज़पेपर्स हैं, ये देखो इनका जो कलर है गाइस वो कैसा हो गया है, इनका कलर येलो पीला पीला हो गया है। और इसका रीज़न ये है कि ये न्यूज़पेपर मैंने भरे थे और किसी के इसके अंदर ये न्यूज़पेपर्स नहीं है, क्योंकि एक्चुअली में बाहर से जो आवाज़ आती है ना ये उनको रोक लेते हैं, बाहर की आवाज़ को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यानी कि जो रूम है, जो अभी तो ये रूम है, ये स्टूडियो था गाइस, और जो स्टूडियो है वो इको प्रूफ होना चाहिए, साउंड प्रूफ होना चाहिए। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर साउंड प्रूफिंग मैंने इसकी जो है किस तरीके से कर रखी थी। हाँ भाई यही था जिसमें शुरू हुआ था गाइस, सच्ची में यही रूम था, यहाँ बैठ के मैंने पहली वीडियो बनाई थी। यहाँ बैठ के मेरे सामने एक टेबल थी, मैंने क्रिकेट बॉल को काटा था यहाँ बैठ के। एक बार गाइस, हाँ ये तो बनता है यार गाइस, यहाँ पर तो बनता है नया वाला, इसको रखते हैं गाइस।
हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे नए चैनल ब्लेड एक्स वाई जी में। और दोस्तों, ये जो वीडियो है ये इस चैनल के ऊपर होगी पहली वीडियो। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब आप कर लीजिए। हेलो गाइस, मैं हूं अमित और आज हम आ चुके हैं हमारे क्रेजी एक्स वाई जी के फर्स्ट एवर स्टूडियो के अंदर, जिसके अंदर पहली वीडियो शूट हुई थी। और इसके अंदर आ गए गाइस, मुझे इतना अच्छा लग रहा है, जितना अच्छा भाई साहब मतलब लगता ही नहीं है, बहुत ही कम होता है। क्योंकि आज जो कुछ भी है वो कहानी शुरू यहाँ हुई है। ये है, पता है, इसके ऊपर ही मैंने पूरा बंद कर रखा था। ये है हमारी बालकनी, इसके अंदर गाइस मैं बैठ जाता था सुबह शाम। और आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो है, मुझे लगता है कि कई दिनों से थोड़ी गाइस साफ़ सफाई नहीं हुई है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हॉस्टल में ऐसे ही रहता है गाइस, मैं जब रहता था तो भी थोड़ा बहुत गंदा तो रहता ही था रूम, क्योंकि बॉयज़ हॉस्टल है, इतना ज़्यादा चलता है मामला, काम होना चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए। लेकिन जब स्टूडियो में इसको कन्वर्ट किया तब जा करके थोड़ा सा उन सब चीज़ों का मेंटेनेंस करना पड़ता था गाइज। यहाँ पर ये जो अलमारी है इसी को मैं यूज़ करता था, और ये एक्चुअली मेरे रूम की अलमारी है। इस तरीके से स्लाइड करती हैं, हर रूम के अंदर इस तरीके की अलमारियाँ लगी हुई हैं। चलो गाइस, अब जो है उज्ज्वल को रूम के अंदर आ जाने देते हैं, क्योंकि वो बाहर चला गया जब हम शूट कर रहे थे। तो चलो गाइज, यहाँ पर मैंने एक चीज़ अभी नोटिस करी, यहाँ पर जो मेरा रूम था उसके बाहर कुछ लिखा हुआ है, आप अपने आप ही पढ़ लो। ओ कल आना। और यहाँ कुछ एक बार देखो, ये कुछ बना हुआ है गाइज यहाँ पे। ये किसके लिए है भाई, इधर आओ। ये क्या है, ये पहले क्या आपने लिखा है? नहीं, ये मैंने तो नहीं लिखा था, ये हमारे पहले से लिख दिया गया। ऐसी शैतानियां बहुत सारी चलती रहती हैं, आधे रूम्स के बाहर आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। गाइस, जियो फोन का ड्रॉप टेस्ट यहाँ से हुआ था, ऊपर बहुत ऊंचाई से 7th फ्लोर से मैंने नीचे फेंका था, यहाँ आके गिरा था। एग्जैक्टली यही जगह है वो वीडियो जो भी आप देख रहे हो, ये इसी जगह की है, आज से लगभग 5 साल पहले की। और इस साइड में ये जो है ये जिम एरिया है, अभी तो बंद है, देखो यहाँ पे जिम लिखा हुआ भी है, इसके अंदर थोड़ा बहुत वर्कआउट भी हम लोग करते थे। गाइज, अब हम आ चुके हैं वहाँ पर जो भाई सबसे ज़्यादा यहाँ पर जिसमें मैंने टाइम बिताया था, जो कि है गाइज धातु के कर्म एवं पदार्थ अभियांत्रिकी विभाग, यानी कि मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जो कि है यहाँ पर। और यही हमारा डिपार्टमेंट जिसके अंदर हम लैब वगैरह में प्रैक्टिस किया करते थे, लैब वगैरह में एक्सपेरिमेंट किया करते थे कि कोई मेटल जो है उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, वो कैसे काम करता है, उसका नेचर क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, वो कहाँ यूज़ आएगा, सब कुछ जो है वो यहाँ पर होता था। गाइज, आपने इतनी सारी चीज़ें आज देख ली हैं, लेकिन जो कोर है, जो इस इंस्टीट्यूट का हार्ट है, इस इंस्टीट्यूट का ब्रेन है, जो सब कुछ है, जहाँ से सब कुछ होता है, जहाँ से इतने लोग इतने सक्सेसफुल अपनी लाइफ में बनते हैं, उस सब के पीछे जो मेन चीज़ है वो है नॉलेज, जो कि है ज्ञान। और जो ज्ञान है वो देते हैं हमारे गुरुजी, हमारे प्रोफेसर्स। तो मैंने सोचा कि हमारे जो प्रोफेसर्स हैं उनसे भी एक बार आपको मिलाते हैं, जिनसे हम पढ़े हैं भाई, जिन्होंने हमको पढ़ा लिखा के कुछ करने लायक बना दिया है। यहाँ पर डैनियल सर हैं, जो कि हमारे डिपार्टमेंट के HOD हैं। यहाँ पे लहरी मैम एंड सर हैं, लहरी सर हैं। सो इन्होंने जो है बहुत कुछ सिखाया गाइस, यही वो लोग हैं जिनकी वजह से आज हम जो भी कर रहे हैं, इनका सबसे बड़ा हाथ है। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू सर एंड यू ऑल्सो मैम, कि आपने हमें सब कुछ इतना सिखाया, और आप बच्चों के लिए इतना कर रहे हैं, आप कंट्री के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। वी आर वेरी हैप्पी अबाउट अमित, वी आर वेरी हैप्पी टू मीट अमित आफ्टर 3 years, एंड वी आर वेरी वेरी हैप्पी टू सी हिम वेरी सक्सेसफुल। एंड दिस इज व्हाट IIT डस, IIT एजुकेशन सिर्फ पढ़ाई के ऊपर नहीं है, इट ऑल्सो मेक्स यू अ गुड ह्यूमन बीइंग। आई कैन सी दैट ही हैज अ लॉट ऑफ ह्यूमिलिटी, and this will carry him very far and will allow him to grow in his chosen field as a YouTuber and influencer, and I am sure we'll keep hearing about him and his achievements for many many years to come. So Professor, thank you so much sir, Professor for your Lahri, along with me Professor Daniel, we are
happy to meet Amit Sharma today. Mm-hmm. Sir, actually, I'm feeling a bit nervous. Actually, I don't feel nervous anywhere, but in this room, I don't know why. But this is the thing. Because देखिए, मैं हमेशा जो natural feelings है ना, वो ही share करते हैं. जो कुछ हो रहा है, actually में हमारा काम वही दिखाना है. हम ज़्यादा चीज़ों को मिसइंटरप्रेट नहीं करके दिखाते हैं. जैसा है वैसा ही उस हिसाब से. तो यहाँ मुझे जो फील हो रहा है तो मैं वही चीज़ यहाँ पर बता रहा हूँ. गाइस, जो भी यहाँ पर आपको अभी लोग दिख रहे हैं ना, इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हर चीज़ के अंदर. और सब लोग अपने फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं और इसीलिए आज यहाँ पर हैं और अब बाकी लोगों को एक्सपर्ट्स बना रहे हैं ताकि वो कुछ आगे कर सकें. एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट करने में हमारे जो प्रोफेसर्स हैं उनका बहुत बड़ा हाथ है. एंड इसीलिए मैं सभी का थैंक यू कहना चाहता हूँ. थैंक यू सो मच सर एंड मैम. थैंक यू. गाइज, मैंने सोचा कि आपको कुछ मशीनें भी दिखा देता हूँ जिनके साथ हम काम करते थे. तो यहाँ पर ये जो इतनी सारी मशीन्स हैं, इनका हम लोग यूज़ करते थे किसी किसी अलग अलग चीज़ में, क्योंकि हमारा मेटलर्जी एंड मटेरियल्स का काम था. तो ओर से मेटल को निकालने में बहुत सारे प्रोसेसेस होती हैं, बहुत सारे कटिंग टूल चाहिए, बहुत सारे हैमर टूल चाहिए, अलग अलग तरीके के टूल चाहिए. तो यहाँ पर पूरा हार्डवेयर वाला काम है. ये मान लो आप जो जहाँ पर बेसिकली थोड़ा सा रफ वाला काम होता है, जहाँ पर काटना पीटना तोड़ना अलग अलग चीज़ों को करना, वो वाला काम. यहाँ बारीकी का काम कम है और मास स्केल पे जो है काम ज़्यादा है. बाकी माइक्रोस्कोप्स वगैरह हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स है और एक्सरे डिफ्रेक्शन मशीन्स हैं. ये सारी जो मशीन हैं इनके लैब दूसरे हैं. यहाँ पर आप देखो कितनी सारी मशीनें हैं चारों तरफ. सर सर गाइस, ये शशिकांत सर हैं और ये PhD कर रहे हैं यहाँ से. और भाई साहब, हम बैडमिंटन खेलते थे. बैडमिंटन खेलने वाले बहुत लोग हैं गाइस जिनके साथ में खेलते थे. आप ज़्यादातर लोगों से मिल ही चुके हैं. और सर कैसे हैं? सब बढ़िया. बहुत दिन बाद में आपको देखा है. ये बहुत ही चमक रहे हो सर. और मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है सर. हमें भी बहुत अच्छा लगा आपसे इतने दिन बाद मिलके. गाइस, ये है हमारे कॉलेज का मेन बिल्डिंग. मेन बिल्डिंग मतलब जहां से कॉलेज की शुरुआत हुई थी, वो बिल्डिंग. इस बिल्डिंग का नाम है गाइस जेम्स थॉमसन बिल्डिंग. और जब IIT रुड़की की शुरुआत हुई थी तो उस टाइम पर यही कैंपस था. इसी के अंदर जो है सारी चीज़ें होती थी. बाद में जो पूरा कॉलेज इसके चारों तरफ में बस गया, लेकिन ये बिल्डिंग आज भी वैसे ही है. और इस बिल्डिंग से बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें जुड़ी हुई हैं, आपको बताते हैं सारी चीज़ें. गाइस, यहाँ पर जो मेरे पीछे आपको चमचमाती हुई बिल्डिंग दिख रही है ना, ये बिल्डिंग एक्चुअली में बहुत पुरानी है. ये बिल्डिंग 150 साल पुरानी है और ये कॉलेज भी इतना ही पुराना है. इनफैक्ट ये जो कॉलेज यानी कि जो IIT रुड़की है, वो एशिया का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज है. तो इंडिया में जब कोई भी कॉलेज नहीं था इंजीनियरिंग का, तब ये जो कॉलेज है ये बना था ताकि यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है उसको बिल्डअप किया जा सके. और इसी वजह से जो है IIT रुड़की, उसका सिविल डिपार्टमेंट काफ़ी फेमस है. तो गाइस, फाइनली शाम हो गई है. और भाई, जो चीज़ लोगों के लिए एक सपना होता है, एक ड्रीम होता है, मैं उसी जगह पर खड़ा हूँ. मेरा भी सपना था कोई टाइम में, जो कि पूरा हुआ जब IIT के अंदर एडमिशन हुआ, IIT रुड़की मिला. और ये बात मैं दावे से कह सकता हूँ कि जो सबसे खूबसूरत IITs हैं, उनमें से एक नाम जो है सबसे ऊपर, वो IIT रुड़की का हमेशा आएगा, ज़रूर से आएगा. खूबसूरती यहाँ पर देखो यार, जो मेन बिल्डिंग है यार, कितना खूबसूरत. यहाँ पर लॉन है, पूरा ग्रीनरी है, वाइट का जो कॉम्बिनेशन है बड़ा ही ज़बरदस्त है यहाँ पे. तो आप लोग देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ का, यार यहाँ का, यहाँ की हवा ही अलग है, यहाँ का सब कुछ अलग है. और यहाँ आकर के मैं ज़्यादा कुछ बोल ही नहीं पा रहा हूँ यार. भाई, ये सपना है यार लोगों का, ये कॉलेज नहीं है, ये सपना है. और ये सपना बड़ी मुश्किल से पूरा होता है यार. तो भाई, मुझे उम्मीद है कि आपको मज़ा आया होगा इस वीडियो में. अगर आपको मज़ा आया वीडियो में तो लाइक का बटन ज़रूर से दबा देना. क्रेजी एक्सपाइज की शुरुआत कहाँ से हुई वो भी हमने आपको दिखाया है, सब कुछ दिखाया है. तो वीडियो के लिए लाइक करना ज़रूर से बनता है. चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे मज़ेदार वीडियोज़ के लिए. तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय. तो गाइज़, फ़िलहाल हम घूम रहे हैं IIT रुड़की में रात के टाइम में. और अभी जो टाइम है वो रात के 2 बजे हैं. और भाई, पूरी चहल पहल है, चारों तरफ जो है अभी भी बच्चे घूम रहे हैं जैसा पहले होता था, सेम वही है. ये है मेन बिल्डिंग, जो कि रात का जो नज़ारा है वो आप लोग देख सकते हो, कितना शानदार, कितना ज़बरदस्त दिख रहा है.
फिलहाल जो है भाई मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है यहाँ पर सोने का या कुछ भी करने का यार, इतने टाइम बाद आए हैं, थोड़ा सा घूमते फिरते हैं।